मन पीवे मन पीवे सुन शब्द बिछा चिम चिम वर अमृत तारा चिम चिम वर अमृत तारा चिम चिम वर अमृत तारा मन पीवे मन पीवे सुन शब्द अमृत तारा चिम चिम बरसे अमृत तारा करे दिन रात अनंत विनोद करे दिन रात सदा सदा हर के राजी चिम चिम बरसे अमृत तार शब्द विचारा चिम चिम बरसे अमृत सब किछ कर बाहर नाही सब किछ कर बाहर नाही बाहर तू ले सो परम अंतर पाया सो अंतर पाया सोहे राजी चिम चिम बरसे अमृत तारा चिम चिम बरसे अमृत तारा मन पीवे मन पीवे सुन शब्द बिछारा चिम चिम बरसे अमृत तारा चिम चिम बरसे अमृत तारा।
जन्म जन्म का बिछुड़े अमिले जन्म जन्म Yes.
सदा सदा हर के राजियो चिम चिम बरसे अमृत धारा चिम चिम बरसे अमृत धारा हर दर तिन की ओ तम बात है संतो
गारनी पसारी धनी धापा गारनी तनासरी से साथ संगत जी गल केवल जो साड़ा बहुत प्यारा ट्रेडिशन है गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी रागात्मक है ते साड़ा ट्रेडिशन तंती साज ये रबाब साज भाई जसप्रीत सिंह जी बजा रहे ने इत्थे टीचर ने आ छोटे बच्चे नु जसदेव सिंह नु किन्ना देखो चाह है सब तो पहला आके उन्हें माइक भी सैट कर लिया मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स नूं ये कहना हुंना कि तुहाडे अंदर एक उत्साह होना चाहिदा है इन्नी तड़फ होवे कीर्तन प्रति लगन होवे क्योंकि कीर्तन उस वाहिगुरु नूं मिलन दा सब तो सौखा साधन मन्या गया है कलयुग में कीर्तन प्रधान क्योंकि नाद है ना ट्यून है महाराज जी कहते धुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया इस पावन पवित्र स्थान पर जिथे महापुरखों ने बड़ा तप किया बाबा सोहन सिंह जी ने संत बाबा सोहन सिंह जी ने क्योंकि दास का भी बड़ा लंबा समा सचखंड वासी संत बाबा सुच्चा सिंह की संगत विच बीतिया उन्होंने ही मैनू गुरमत संगीत वाले पासे प्रेरिया उन्होंने मैनू कीर्तन वाले पासे लाया मेरा मन कित होर जाता सी उन्होंने क्या नहीं कीर्तन करना संगीत तेरे अंदर है होर पासे नहीं कुछ करना तो गुरबाणी संगीत का प्रचार करना राग माझ आप जी ने सरवण किया चार पाँच दीवाना दे विच आप जी ने नौ दस गुरु ग्रंथ साहब महाराज के राग सरवण किए ने 9:25 तक साड़ा टाइम समाप्ति कर देनी है मैं एक छोटी जी बेनती करा गल इत्थे नहीं कि असी कोई अपने प्रोजेक्ट की प्रमोशन करनी बिल्कुल नहीं
गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कृपा नाल धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह दे 550 साल लई एक प्रोजेक्ट शब्द नाथ फेसबुक ते कदी पेज लाइक करियो शब्द SABAD एच नहीं आएगा शब्द NAAD नाथ वो दे विच 130 दे करीब कंपोजिशंस ने जिन्हां नूं बहुत ही प्यारे कीर्तने जिन्हां नूं तुसी सारे जानदे हो उन्हां तों इलावा 60 आर्टिस्ट ने जिहड़े स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स दे इंडिया दे टॉप दे ने सब तों उन्हां दा अपने खेत्र विच सब तों वड्डा नाम है ते जिहड़े संगीतकार ने क्योंकि गुरु नानक साहब की बाणी सारियां लई सांझी है असीं कहिंदे आ ना गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक साहब सब दा सांझा गुरु है तन गुरु ग्रंथ साहब दे विच साउथ दे विच चार राग ने गुरु साहब ने उत्थे जाके राग गौड़ी दखनी दखनी साउथ दक्षिण मारू दखनी रामकली दखनी गौड़ी दखनी बिलावल दखनी चार राग ते साउथ दे जिहड़े टॉप दे आर्टिस्ट ने उन्हां तों वो राग असीं गवाया जिवें हरिहरन वी है साउथ दा इस तरह जिन्ने क्लैसीकल दे ने उन्हां सारियां ने शरधा नाल महाराज दी बाणी दे एक एक दो दो शब्द गाए ने ते जिहड़े तंती साज ते प्लेयर्स ने वह भी सारे जिहड़े सब तों चोटी दे ने ते सानूं चंगा लगा उन्हां दे अंदर भी भावना जागदी सी कीर्तन नूं सुन के रागात्मक ट्रडिशन साडा सुन के ते वह सरप्राइज़ हैरान होंदे सन कि गुरु ग्रंथ साहिब विच इन्ना खजाना ये गुरु ग्रंथ साहिब में है वो पुछदे सानूं कि इतने राग 62 राग प्लस 55 पड़तालस सब तो यूनिक सिंगिंग स्टाइल सब तो औखी गायन शैली गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है उस तो बाद फोक किन्ना फोक है देखो अलाणियाँ घोड़ियाँ भैणा गाउंदियां ने भरा दे विआह ते महाराज कहिंदे घोड़ियाँ गाओ तुहानूं कौन रोकदा पर इस देह रूपी घोड़ी नूं सजाओ देह तेजण जी राम पाईआ राम घोड़ी तेजण जी इस तरह अलाणियाँ हुंदी किसी दी प्रेज़ करना जदों किसी दी डैथ हो जाती है तो बीबियाँ रोंदियाँ उस घर जांदियां ने पंजाब च आम तौर पर ट्रडिशन है तुसीं देखदे होगे वह सिफत करदे आ जिहदी डैथ हो जाती है महाराज कहिंदे उहदी सिफत ना करो वह तो उहदे हुक्म अनुसार आया चले गया तन सिरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधा लाया मोहलत पुन्नी पाई भरी जानी अड़ा कत चलाया जानी कत चलाया लिखिया आया रुन्ने वीर सवाए काया हंस थिया विछोड़ा जा दिन पुन्ने मेरी माए जिहा लिखिया तिहा पाया जिहा पुरब कमाया तन सिरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधे लाया इस तरह सारा ट्रडिशन उस प्रोजेक्ट दे विच असी जिहड़े सूही राग दे विच लावां पल्ले तेंडे लागी रामकली दे विच ये असी मिल के दास भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले सरदार कवरनजीत सिंह के जे सिंह मुंबई असी मिल के बाबा सुचा सिंह गुरमत संगीत अकैडमी जंडियाला गुरु वालों ये प्रोजेक्ट संगत नूं बस यही बेनती है कि वह एक डिवाइस बन के आएगा आप जी ने उन्होंने अपने घर में लैके जाना वो ट्रडिशन सुनना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का बस यही बेनती है होर कोई बेनती नहीं सो महापुरखों के इस स्थान पर आओ एक शब्द की क्योंकि भाई अकालजोत सिंह जी ये मेरा शागिर्द भी है इंडिया जाके सिख के आंदा महीना महीना जाके इन्होंने परसों का मैंने कहा एक शब्द ली बहागड़ा राग अत प्रीतम मन मोहना घट सोहना उस शब्द पढ़ के आप समाप्ति करिए ये मेरा छोटा वीर उस्ताद भाई अनकवार सिंह जी संगत इन्होंने बहुत प्यार कर दी क्योंकि साधना बड़ी रियाज बहुत है आप देखते हो तबले ते ये भाई अमरजीत सिंह जी इतने टीच करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब अकैडमी के जो विद्यार्थी ने भाई जसप्रीत सिंह जी भाई परमप्रीत सिंह जी टीच करते हैं सारे सरदार अवतार सिंह टैरी जी जिन्होंने हुक्म लाया सो सच्चे पातशाह कृपा करन इतों की सारी प्रबंधक कमेटी जिन्हों का इन्ना उत्साह संगत का प्यार देख के सारा कुछ डिसिपलिन हो रहा है असी हैरान हैं सच्चे पातशाह इस तरह कृपा करन महापुरख आते हैं नाम जप के चले जाते हैं उन्हों का आना यही होंगे कि उन्होंने जो उन्होंने एक दृष्टि फेरी होंगी है या जो उन्होंने प्रेरणा दी होंगी है कि गुरु ग्रंथ साहब नाल प्यार किवें करना है प्रेम किवें करना है उन्होंने अपने जो उन्होंने श्रद्धालु होंगे ने उन्होंने एक एक गल समझाई होंगी है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं प्रेम किवें करना क्योंकि सारा कुछ इत्थों ही मिलना है सो आओ बड़े प्यार नाल आप जी एक शब्द सुन के समाप्ति करिए अत प्रीतम मन मोहना
अत प्रीतम मन मोहना, अत प्रीतम मन मोहना कट सो ज्ञान ज्ञान जन नाम
जिन्हें दर्शन देने डिंडे भाजी तुहाडा साउंड कमाल ये मेरा विद्यार्थी भाई दिलबाग सिंह बहुत सुरीले कीर्तनी ने सच्चे पातशाह की बड़ी कृपा है। इस तरह छोटे बच्चे छोटिया उम्र ने सारिया दियाँ गुरबाणी कीर्तन नाल जुड़न रियाज करन महाराज की बाणी जो साडा प्यारा ट्रेडिशन है जो 8-9 साल तो इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब अकैडमी बच्चे तंती साजे नाल कीर्तन सीखते ने मलेशिया दे विच जगह जगह टीचर्स उस्ताद जो कीर्तन सिखाते ने इस स्थान पर भी सारे ही भागों वाले ने माँ बाप भी जिहड़े बच्चों नूं कीर्तन नाल जोड़ते हैं सतगुरु कृपा करन आओ बड़े ही सुरीले कीर्तनी ये भी मेरे विद्यार्थी ने जिन्होंने हाजिरी भरनी है बहुत सुर च गाते हैं आप जी ने असीस देनी इन्हां नूं बड़े प्यार नाल सुनो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।